हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं उठ गया हूँ भाई, 7:45 बजे उठ गया था और आज मेरी आंखें कम्प्लीटली लगी थी क्योंकि कम्प्लीटली वॉश किया, क्योंकि वो क्या होता है, सोया हुआ लगता हूँ ना, कम्प्लीटली फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश नहीं लगा, फेस वॉश मतलब पानी से पस गया, तभी रेडी वेडी हो जाता हूँ और निकलता हूँ घर पे क्या कमरे में, और शाम को मतलब दोपहर 3-4 बजे के बाद ही निकलना पड़ेगा मुझे, निकलने देंगे, निकलना पड़ेगा सब कुछ एक ही तो मज़ा आएगा। मन मन समथिंग हो गया घर पे गए हुए, आज 20 दिन हुए ठंडे और 26 को आया था मैं रिटर्न, एक मंथ होने वाला समथिंग आया था कुछ, ठीक है, दो राउंड मार के आता है घर पे एक दो दिन कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं 2 मंथ गए, एक बार ही ऐसा हुआ है कि मैं 2 मंथ के बाद ही घर पे गया था ऐसा कुछ, वो भी बर्थडे के टाइम, मैं अप्रैल में गया, डायरेक्टली जून में गया था, 2 महीने कम्प्लीट 2 महीने के बाद, मुझे मुझे अलग अलग जैसा लगा, पापा भी बोले कि ऐसा क्यों, महीने में एक दो बार जाओ, वो तो बोलते हैं कि सैटरडे संडे आ जाओ, बट हर टाइम क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ काम रहता है और मैं भी थक जाता हूँ, क्योंकि हर दिन तो मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सकता ना सैटरडे, क्योंकि रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता ऐसा, क्योंकि आराम मेरी नींद तो पहले से तो यार पूरी नहीं होती, एक तो वो प्रॉब्लम है, बाकी और सब बहुत ज़्यादा होता है। एक मच्छर साला आदमी को परेशान करके रख देता है। तो चलो गाइस, जल्दी से रेडी वेडी हो जाता हूँ, निकलता हूँ कंपनी के लिए, ठीक है। आज जो हेयर ऑयल नहीं डाला वो आदिवासी दिन, मैंने परसों जिस दिन लाया ना मैं थर्सडे को उस दिन डाला, आज नहीं डाला, कल शाम को नहीं डाला था ऐसा, ठीक है। तो चलो गाइस, जल्दी से निकलता हूँ रेडी वेडी हो गई कंपनी के लिए, उसके बाद जाऊँगा घर पर, ठीक है, मिलता हूँ कंपनी में, बाकी घर पर आप बोलो कम क्या, घर पर कंपनी में जाके बना दूंगा, ठीक है। हेलो गाइस, मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ, तो अब निकल रहा हूँ कंपनी के लिए, टाइम हो चुका है 8:45 बजे, 9:30 बजे तब रेडी वेडी हो गया, तो निकल रहा हूँ कंपनी के लिए, टूरिस्ट बैग लेके डायरेक्टली जा रहा हूँ, मतलब कंपनी में से डायरेक्टली निकल जाऊँ ना इसके लिए, ठीक है। तो चलो गाइस, जाता हूँ मैं कंपनी में, उसके बाद जाऊँगा घर पे, ठीक है। और कल मम्मी पापा के साथ, अब ये दोनों दिन कम्प्लीटली मम्मी पापा के साथ बिताएंगे और उनके साथ सब कुछ शूट करेंगे, ठीक है। कवर चेंज किया, क्या लग रहा है यार, ट्रांसपोर्ट एकदम हैवी, अब हैवी नहीं लग रहा कि वो पुराना वाला कवर था उसमें बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था फोन, यार नए शूज पहना है ना तब बैठ के पहनना पड़ेगा, डायरेक्ट ले आ जाएगी क्योंकि नए वाले हैं ना स्पार्क्स, हाई टॉप की जगह मैं पहले क्या बोल रहा, हाईनेक, ये हाईनेक की छटा दिया ना वो ही बोल देता हूँ, चिराग भाई वाला डायलॉग गरीबों को पता नहीं चलता यार। चलो गाइस, जाते हैं कंपनी में, और चिलोड़ा से कुछ सामान भी लेके जाना है भाई की ऑफिस में, बोल दिया कि तू किसी को भेज देना, मतलब बाहर भेज देना किसी को, वो दे देगा उसने बोला मैं भेज दूँगा, वो तुम्हें सामान दे देगा, कुछ बैग लेके जाना है ऐसा कुछ है, ठीक है। तो चलो गाइस, निकलता हूँ कमने के लिए, ठीक। हेलो गाइस, मैंने माइक बाइक लगाया नहीं है, देखिए बकरा हो गई, बहुत ठंडी लग रही है, जवान सुन लेन है, कपड़ा बैग है, आटलू चुपो रहा सुन, अभी तो बैग बीजी ले जाने से गांधी नगर चिरुडा में सामान ले जाना, चलो गाइस थंबनेल बना देता हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं,
शाम को 4 बजे समथिंग निकल जाऊँगा मैं घर पे ले। ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सर कुछ कहना चाहोगे? कल ट्रिप में दी थी शादी के ऊपर। अब बताऊँ सर भाई पेपर अहियाँ नहीं जुवाना फिजिकल सर नहीं खड़ी है आइडिया बोला बस। हाँ आइए आओ ना सोमवार। मैं लिया दो सब मारे चलो भाई। चलो गाइस निकलता हूँ। धूप तो बहुत है, रास्ते में जाकर बाइक को थोड़ा निकल जाऊंगा ना, उसके बाद नहा चलूंगा जाके बाइक को कॉल कर दूंगा मैं तो पार्सल लेके आ गया। कुछ सामान लेके जाना है गाड़ी। चलो भाई ये करिए गाड़ी। गाइस मैं टोल टैक्स भर चुका, मतलब प्रांतिक टोल टैक्स भर चुका हूँ। ये दूर है, मैं थोड़ा आगे आके खड़ा रहा 5 मिनट, अब निकलता हूँ। 5 मिनट खड़ा रहूँगा उसके बाद निकल जाऊँगा। मैंने यार आ गया सॉफ्ट ड्रिंक ली 2 मिनट। मैं भूल गया कि मैंने लैपटॉप बैग में रखी थी, थोड़ी पी थोड़ी बाकी निकलता हूँ 5 मिनट। गर्म नहीं हुई गाइस, निकलता हूँ मैं। ठीक है हेलो गाइस, मैं आ गया घर पे। भी लॉक होगा घर लॉक। चलो गाइस शूज तो अंदर निकल रहा हूँ भाई, फिर बैग लेना है। और बैग में एक आइटम मेरी है हेडफोन, कि वो बाहर शूज इसलिए नहीं रख क्योंकि वो कुत्ते ले जाता है यार, खराब कर दिया था क्या यार, पूरी गर्दन कट गई यार। मेरी हड्डी का पैकेट आ गया है। हाँ चलो गाइस न्याय और मेरे लिए 2 बिल इंतजार करे तो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, याद करके पेमेंट कर दूंगा। चलो गाइस मैं तो पप्पा को बोल गया था कहाँ पे खेतर में होगी, मतलब फार्म हाउस में होगी तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, राउंड मार के आता हूँ। ठीक है चलो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, फ्रेश फ्रेश होकर शांति से मिलूँगा। हेलो गाइस मैं आ गया फार्म हाउस पे। ओके अंशु के भाई वो भी बोली है पप्पी इंग्लिश में, आई डोंट नो इंग्लिश मेरे को उतना नहीं आता। मैं डिक्शनरी लेके गया और तो भी कुछ रीड वीड नहीं करा, मम्मी पापा को मिला राउंड मार के ही निकल जाता। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आम खाए हैं,
ऊपर तो एक क्या दो ही बार चढ़ा था, एक यहाँ पे है, एक तो अब तो नहीं आती थी कैरी वेरी, वहाँ पर आती थी वो मीठी ये खट्टी, और जितनी खट्टी थी उतनी मीठी भी हो जाती थी थोड़े टाइम के बाद। बहुत मस्ती की है यहाँ पे, किसी दिन बहुत सारी बातें करेंगे, बैठूंगा ना संदी से, बहुत मतलब मैं बहुत मस्ती को था, मार भी उतनी पड़ी है मेरे को। हमारी फैमिली में सब बच्चों में बड़े भाई हम ऐसे गने ना गिने ना तो कितने चार छह लोग हैं, पापा के पापा बड़े पापा उनसे उनसे थोड़े छोटे पापा पापा मेरे थे, तीनों भाई के सब लड़के हो गए, चार दो बहन चार भाई, उनमें से सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है। मस्ती भी मैं करता हूँ बहुत, अभी भी करता हूँ पर मार नहीं खेलता जब बड़े हो गए। चलो भाई राम मार के मैं निकलता हूँ, देखा। हेलो गाइज, हम लोग यहाँ पे नहाए थे ना होली के टाइम, वहाँ पे मैंने मेरा थोड़ा धो दिया है, मुँह तो देखो कि घर पे नहीं धोया था, कि यहाँ का पानी उतना अच्छा बहुत ही अच्छा है, दांत के लिए नहीं फेस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कहीं आगे इससे आगे कहीं पे शादी चल रही है, हाय तो बोल दो, हाय हाय हाय। मैं भी काम कर देते हैं अहिया हो, चलो जाइए घर जाओ, हाउ चलो घर ही भाई, हम लोग जा रहे हैं दादा के, हम लोग जाग रहे हैं दादा के, जाग रहे हैं, जा रहे हैं, जाग रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं ले गुबड़ा वेला तो जिन करे जिन खाई मु भी घर आए ना भी घर आए, हम गुंगा करते हैं। ए यहां पे पूरा अंधाला अंधाला हो गए, देखो ला प्रभु ने हमारे आधा तो मेहमान ना गिरा है, मेहमान तुम घिन ले हेलो गाइस, आज हमारी हेयर मसाज हो रही है, पापा हेयर मसाज करे आदिवासी तेल की, मैंने वो लाया था ना वो दूसरी बार लगा रहा हूँ मैं, आज पापा के पास मैं मालिश कर रहा हूँ क्योंकि सर दर्द भी हो रहा है, वहाँ अहमदाबाद से आया ना मैं बाइक लेके, तो अब मैं थक भी गया था, तो अभी सोचा कि मालिश वालिश करा देते हैं, क्योंकि आज मैंने ऐसा सोचा था कि लाऊंगा एक दिन लगाऊंगा एक दिन नहीं लगाऊंगा उसके बाद लगाऊंगा तेल, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाऊंगा ऐसे, तो आज लगा दिए दो दिन के बाद, तो अच्छा रिजल्ट तो अच्छा है, बट एक मंथ वन मंथ यूज़ करूंगा उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा। तो पापा मालिश कर रहे हैं अभी, तो अब थोड़ी देर में सो जाऊंगा, तो गाइस ये व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं, तो गुड नाइट, टेक केयर, सो डेम लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, कुछ नया आने वाला है व्लॉग, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।